हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक मेरी वीडियो। सो गाइस कैसे हो, आई होप सभी अच्छे होगे। सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉट कंप्लीट नेटवर्क सेटिंग 100% वर्किंग। गाइस मैंने आप 100% वर्किंग क्यों बोला, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी कोई भी सेटिंग नहीं छोड़ी है जिससे गाइस मैंने आपको नेटवर्क रिलेटेड जो सेटिंग को आपको नहीं बताया हो। और अगर साथ साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आपके फ़ोन में जैसे हो सकता है कि आपके फ़ोन में अंदर से नेटवर्क प्रॉब्लम हो, जैसे हमारे नेटवर्क आईसी प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क वायर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट प्रॉब्लम हो जाता है, या हमारा कोई भी यहाँ पे आईसी शॉर्ट हो जाती है, तो इस तरह से हम कैसे पहचानेंगे हमारे फ़ोन में आके प्रॉब्लम क्या है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको ये भी बता दूंगा भाई आखिर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम का, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहो, ट्रिक मैं आपको कभी भी बता सकता हूँ। तो गाइस सिंपल से यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ गाइस आपको मिलेगी सेटिंग का एक ऑप्शन, जैसे गाइस यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे हम सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक और न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। किस तरह का आने वाला वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखा देते हैं। इस तरह का गाइस यहाँ पे मेरे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, वाईफाई एंड नेटवर्क आपको इस पर जस्ट क्लिक कर देना है। हो सकता है आपने फोन अपडेट कर लिया तो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा लिखा हो, वाईफाई एंड नेटवर्क मोबाइल लिखा हो, या वाईफाई मोबाइल नेटवर्क डाटा लिखा हो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब मेरे पास कमेंट ये भी आएंगे कि भाई थोड़ा स्लो बोला करके यार, मैं काइन मार्च से वॉइस ओवर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बोलना पड़ेगा। जहाँ मैं टिक लगाता हूँ तो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क आपको क्लिक कर देना है। गाइस हालांकि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको जो मेरा प्रोसेसर काम करने का वो थोड़ा धीरे हो रहा है, तो इससे आप आसानी से कर सकते हो। गाइस जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मोबाइल डाटा, नेटवर्क टाइप, और आपको यहाँ पे मिलेगा डाटा सर्वर। अब गाइस यहाँ पे तीनों ही काम की चीज़ें हैं, से आपको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले आपका मोबाइल डाटा ऑन कर देना है, जिससे गाइस आपके फोन में यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम आ सकता है अगर इसको आप ऑन नहीं करोगे। तो ऐसे जस्ट मैं गाइस स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉलो जो भी तरीका है मैं सारे के सारे फॉलो करके दिखाऊंगा आपको, वो भी आपको फॉलो करना है अपने फ़ोन में। तो उसके बाद यहाँ से आपको मिलेगा नेटवर्क टाइप। बस ये भी एक बहुत ज़्यादा मेन सेटिंग है, क्योंकि बंदे ऐसा करते हैं वो अपने 3G पर क्लिक करके रखते हैं, फिर उनके फोन में यहाँ पे 3G का नेटवर्क आता नहीं, क्योंकि 3G का नेटवर्क बिल्कुल स्लो आ जाता है हमारे फोन में, क्योंकि हमारी 4G की स्पीड आती है, तो हमारे फोन में जो नेटवर्क थोड़ा स्लो हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना, फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। हो सकता है आपका फोन 5G हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि नोट में दो मॉडल आते हैं 4G 5G, तो बस आपको यहाँ पे करना फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना। जैसे अगर 5G होता है यहाँ पे लिखा होगा 5G प्लस और दिया होगा एक और आपको ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना, आपको दिक्कत कुछ भी नहीं लेनी है। उसी वजह से यहाँ पे मिलेगा आपको डेटा सर्वर। गैस ये थोड़ी इंटरनेट के रिलेटेड है, क्योंकि गैस मैंने ये भी कवर कर लिया यहाँ पे, क्योंकि आप इस ऑप्शन को जैसे ऑन कर दोगे ना, तो आप इसके बाद अगर आपको इसे इंटरनेट चलाओगे अपने फोन में, तो बस आपके फोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इंटरनेट का, क्योंकि यार ये सर्वर को सेव कर देता है और आपके फोन में आप जितने भी सर्वर आते हैं वो बिल्कुल यहाँ से क्लोज हो जाते हैं, और बस आपके फोन में आप जो इंटरनेट का जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको क्या करना है, ये सर्वर को यहाँ से हमेशा ऑफ रखना है, ना ही कि ऑन। ओके, तो उसके बाद सेट करने का फर्स्ट आपको क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस गैस यहाँ पे आ जाएगा। अब गैस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरा पूरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। अब गैस जैसे जैसे मैं इस फॉर्म को पूरा फिल कर दूँ, यहाँ जहाँ मैं आपको टिक लगाना है मुझे, वो यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपका पूरा पूरा फॉर्म यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको बोल्टी, बोल्टी पर क्लिक करना है, वाईफाई कॉलिंग मिलेगा आपको, वाईफाई कॉलिंग पर क्लिक करना, रोमिंग डाटा मिलेगा, रोमिंग पर क्लिक करना, एक्सेस पॉइंट के नाम मैं आपको बताऊँगा, और नेटवर्क ऑपरेटर्स मैंने आपको बताया था, आपके वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा आपके फोन में आपके प्रॉब्लम क्या, ऐसी से प्रॉब्लम है या आपके कोई नेटवर्क सेटिंग प्रॉब्लम है। तो बस गाइस देखते रहो वीडियो को, उसके बाद यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग आपको यहाँ पे ऑन कर देते हैं। इस ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे मिलेगा कॉलिंग परफॉर्मेंस, आपको क्या करना है इस पर एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने एक और यहाँ पे इस तरह का मोड आ जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल ओवर मोबाइल नेटवर्क, इसका मतलब है ये मेरे सारे सारे नेटवर्क पर यहाँ पे कॉलिंग में अच्छे से वर्क करेगा, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले पर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लूँगा, या चाहें तो आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करके रख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं सेकंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा रोमिंग डाटा, आपको क्या करना है, सिंपल सा रोमिंग डाटा आपको यहाँ से ऑन कर देना है, क्योंकि गाइस यार रोमिंग डाटा अगर हमारे फ़ोन में ऑन होगा ना, तो चाहे हम गांव में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हम कहीं बाहर हो, चाहे हमारी रोमिंग हमारी सिम चली जाए, फिर भी हमारे फ़ोन में, हालांकि रोमिंग तो फ्री देती है सारी कंपनियाँ, बट हमारे फ़ोन में ये ऑप्शन आता है कि हम इसे हमेशा ऑन रखें, जैसे गाइस हमारे फ़ोन में कोई भी दिक्कत ना आए, तो इसे हम जस्ट यहाँ से ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद गाइस हमारे फ़ोन में रोमिंग डाटा अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। अब गाइस ये सेटिंग होने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा मैनुअल पॉइंट सेट होती है, नंबर 1 हमारी कॉलिंग प्रॉब्लम कराती है, नंबर 1 हमारे इंटरनेट, नंबर 2 हमारे फोन में इंटरनेट प्रॉब्लम हो जाता है, और नंबर 3 गाइस हमारे फोन में यहाँ पे ये कोई भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एक्सेस पॉइंट नेम्स से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे जैसे यहाँ पे आप एक्सेस पॉइंट नेम से आप क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आएगा, उसमें कुछ फॉर्म से मिलेंगे, उसको आपको फिल भी करना है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा करके, कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना, सिंपल सा बस इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपके सामने मिलेगा यहाँ पर 3 डॉट, साइड में आपको सबसे पहले आपको 3 डॉट मिलेंगे, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे जैसे यहाँ पे आप साइड में क्लिक कर दोगे, आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस छोटा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा इस तरीके का। अब यहाँ मिलेगा आपको रिसल्ट टू डिफॉल्ट, आपको क्या करना है, रिसल्ट टू डिफॉल्ट पर जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे जैसे यहाँ पर रिसल्ट टू डिफॉल्ट पर क्लिक करोगे, आपकी पूरी पूरी यहाँ पर सेटिंग रिसल्ट टू डिफॉल्ट से यहाँ पर पूरी रिसेट हो जाएगी, और गैस आपके फोन में जो भी रिसेट रिपेन सेटिंग मिस्टेक थी वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। अब गैस मेरे पास ये भी कमेंट आते हैं, भाई हमारी रिपेन सेटिंग कोई भी परिवर्तन नहीं मिला, हमारी जो रिपेन पहले थी वैसी की वैसी रही।
तो एपीएन सर्टिंग का आपको न्यूज़ किस तरह से फिल करनी है, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है कि हाउ टू फिल एपीएन सर्टिंग वन प्लस नोट। तो आपके सामने बहुत सारी एपीएन सर्टिंग के फॉर्म से आ जाएंगे, उसे देख के अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा नेटवर्क ऑपरेटर्स, आपको यहाँ क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। वैसे गाइस आपकी एपीएन सर्टिंग रिसेट करने के बाद 100% वर्क करने लग जाती है, 99% बोल रहा हूँ वर्क करने लग जाएगी, हालांकि कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आप रिसेट करके आपका काम चल सकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको नेटवर्क पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे गाइस यहाँ पे आप नेटवर्क पर क्लिक करोगे ना, तो अगर आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे ओके पर क्लिक करना। अब गाइस मैंने आपको ये बोला था कि भाई मैं आप इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर आपके फोन में अंदर से प्रॉब्लम है या कोई सेटिंग प्रॉब्लम है, यानी आपके फोन में आईसी से प्रॉब्लम है या आपके फोन में कोई सेटिंग प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे दो सर्चिंग चल रहा है ऊपर की साइड में अवेलेबल नेटवर्क के पास, तो यहाँ पे सर्चिंग आपको चलने देना, चाहे आपके 2 मिनट या चाहे आपको 4 मिनट लगे। फिर आपको यहाँ पे ये देखना कि हमारे फोन में सर्चिंग में नेटवर्क आखिर आते कितने हैं। अब बस यहाँ सर्चिंग ले रहा है, ये सर्चिंग लेने के बाद मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ कितने नेटवर्क आते हैं। ये सर्चिंग लेते रहने देना, आपको यहाँ से कोई भी बैक की नहीं दबानी है। तो सिंपल से यहाँ पर सर्चिंग ले रहा है, जब तक सर्चिंग लेगा हमें ऐसे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा गाइस। ये जैसे जब तक ये सर्चिंग लेने के बाद एक्टिव, चाहे आपके फोन में 2 मिनट लग जाए चाहे आपके फोन में 4 मिनट लग जाए, आपको अपना फोन ऐसा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो भी हमें आप अब गाइस मेरे फोन में आप देख रहे हो, मेरे फोन में कंप्लीट यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 9, 10 करीबन इसमें गाइस बहुत ही अच्छे नेटवर्क आ चुके हैं, क्योंकि इसकी जो सेटिंग है मैंने पहले से यहाँ पे अच्छी वर्क कर दी थी, और इसमें जो सेटिंग जितनी प्रॉब्लम मैंने पूरी सेटिंग यहाँ पे अच्छे से कर दी थी। अब गाइस मेरे फोन में सर्च बारे में 3 नेटवर्क आ रही थी, अब मेरे फोन में यहाँ पे करीबन 8-9 नेटवर्क सर्च बारे में आ रहे हैं। तो इसका मतलब गाइस ये मेरे फोन में अंदर से भी सेटिंग बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और मेरे जो अंदर से आईसी थी वो भी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको फर्स्ट वाली एयरटेल पर क्लिक कर देना है, बस ऑटोमेटिक यहाँ पर ही सेलेक्ट कर लेगा। अब गाइस आप देख रहे होगे मैंने जब पहले इसमें सर्च कराया था, इससे पहले जब मेरे फोन मेरे पास ये बंदा लेके आया था, तो इसमें ओनली वन 3 नेटवर्क सर्च में आ रहे थे गाइस। मुझे लगा यार अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले मैंने सबसे पहले इसकी सेटिंग चेक की, सेटिंग पूरी डिसेबल हो रखी थी, उसके बाद गाइस ये पूरी पूरे वर्क करने लग गई है। तो गाइस आपको ये पूरी पूरी यहाँ पे अगर आपके फोन में 2 या 3 नेटवर्क सर्च बारे में आ रहे हैं, तो गाइस आपको या सर्विस सेंटर चेक कराना पड़ेगा या किसी के टेक्नीशियन के पास जाकर चेक कराना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको कुछ और तरीके बता रहा हूँ, हो सकता है आपके फोन में ये प्रॉब्लम आ जाए, तो वो भी यहाँ पे आप एक बार ट्राई कर लो। यहाँ से जाओगे आप बैक जाने के बाद गाइस एक बार आपको पूरा पूरा यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग बताने वाला हूँ मैं आपको, वो सेटिंग आपको देख लो, हो सके आपका प्रॉब्लम अपने पास ही हैंडओवर में आपका जो प्रॉब्लम बाईपास हो जाए। तो अभी यहाँ पे सिंपल सब आपको तरीके बताने वाला हूँ। तो बस यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको स्क्रॉल अप करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑप्शन यहाँ पे सिस्टम का। जैसे आप यहाँ पे सिस्टम पर क्लिक कर दोगे ना, तो गाइस यहाँ पे देखोगे इस तरह का इंटरफेस, नीचे थर्ड नंबर आपको दिख रहा होगा सिस्टम, आपको सिस्टम पर गाइस यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। गाइस जैसे यहाँ पे सिस्टम पर क्लिक करूँगा, इस तरह का इंटरफेस गाइस यहाँ पे आ जाएगा। अब गाइस यहाँ मिलेगा आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन, रजिस्टर का जैसे अगर गाइस आपको ऑप्शन मिलता है आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस आके खुल के आ जाएगा इस तरह के गाइस। यहाँ पे आपको 4 3 ऑप्शन मिलेंगे गाइस, चाहे आपका कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप सेकंड वाला आपको रजिस्टर करना है, आपको पूरा फोन रजिस्टर करना है तो थर्ड वाले पे क्लिक करना है, अगर अगर आपको सिम प्रॉब्लम कर रही है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, रजिस्टर सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हम जैसे यहाँ पे रजिस्टर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने कौन न्यू इंटरफेस खुल के आएगा इस तरीके का, जो आपके होम डिस्प्ले वहाँ पे लॉक डाला था। जैसे आपने जो अपना फोन ओपन करते हो उस लॉक यहाँ पे डाल दोगे, तो आपका फोन एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा पूरा, आपका फोन में कोई भी कुछ कटेगा नहीं, हालांकि आपकी सिर्फ नेटवर्क सेटिंग रिस्टार्ट होगी। अगर आपको पूरा फोन रिस्टार्ट करना है तो आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, इरेस ऑल डाटा फैक्ट्री रिसेट पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी गाइस आपका पूरा फोन यहाँ पे रिसेट होगा। अगर से आपको बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे आपको देखना आपके फोन कहीं अपडेट तो नहीं आगा, यहाँ पे सिस्टम अपडेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सिस्टम अपडेट पे यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना। आप ये चेकिंग कर रहा है कि हमारे फोन में अपडेट है या नहीं है, तो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 420 MB का यहाँ पे अपडेट आ चुका है गाइस, यहाँ पे नेटवर्क का भी अपडेट आ चुका है, देख रहे हो कैमरा का भी अपडेट आ चुका है गाइस, यहाँ पे फल का भी अपडेट आ चुका है। इसका मतलब गाइस ये फोन में अपडेट भी है, तो हम इसको जो अपडेट कर लेंगे तो हमारे फोन के जो फीचर हैं अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे। कंपनी वाले हमें अपडेट दे दिया, तो गाइस यहाँ पूरा सिस्टम का भी इसमें अपडेट आ चुका है, तो जस्ट हमें यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना, डाउनलोड इंस्टॉल नाउ पे, तो हमारा फोन यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। सॉरी, हमारा फोन यहाँ पे पूरे यहाँ पे ये अपडेट होने लग जाएगा। अपडेट होने के बाद थोड़ी सी देर में हमारा फोन यहाँ से कंप्लीट ओपन हो जाएगा। तो गाइस यार उम्मीद करूँगा पसंद प्लीज चैनल को सबसे पहले प्रेस कर देना गाइस, तुम्हारा वैल्यू मिलेगा। टेक केयर, वंदे मातरम, लव यू माई यूट्यूब फैमिली। तो गाइस वंदे मातरम।